आज हम बात करते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है इंडिया में, क्या प्रोसीजर होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके अलावा भी काफ़ी मैटर्स पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि वीडियो में क्या क्या हम कवर करेंगे। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्शन अपोज्ड और फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडमार्क क्या होता है, हम ट्रेडमार्क किसे कहते हैं और उसका प्रोसीजर क्या रहता है। ट्रेडमार्क किसी भी कंपनी नेम, प्रोडक्ट नेम, ब्रांड नेम, सर्विस या लोगो ऑफ कंपनी हो सकता है, किसी फर्म का हो सकता है, या कोई विजुअल सिंबल हो सकता है, न्यूमेरिक्स हो सकता है, डिवाइस, लेबल या कुछ भी हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एलजे हर्बल्स का एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आयुर्वेदिक, उसका लोगो यहाँ किया हुआ है। अगर आप कोई भी कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो सबसे पहले यही एडवाइस किया जाता है कि आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लीजिए ताकि आपका ब्रांड नेम का मिसयूज ना हो। अब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, क्या क्या रहेगा। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किसी भी बिजनेस नाम के लिए, लोगो के लिए, टैगलाइन के लिए, कैप्शन के लिए लिया जा सकता है। यह कंट्रोलर जनरल और पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क के डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। ये एक एसेट्स होता है जो आपके लिए बहुत अप्लीकेबल होता है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप सर्च करिए ब्रांड नेम को, ipindian.nic पे जाइए, ट्रेडमार्क पे क्लिक करिए। उसके बाद पब्लिक सर्च पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे ऑप्शन खुलेगा, उसका जो सर्च टाइप है उसको फेनोटिक कीजिए। अपने ब्रांड नेम के फर्स्ट 3 लेटर्स डालिए। फार्मास्यूटिकल्स के लिए ये क्लास 5 और 35 रहता है, प्रोडक्ट के लिए क्लास 5 और कंपनी नेम के लिए क्लास 35। आप इसको खुद भी अप्लाई कर सकते हैं या किसी लीगल फॉर्म्स या एडवोकेट के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अब रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी। सबसे पहले तो नेम, एड्रेस और नेशनलिटी रहेगी एप्लीकेंट की। अगर आप पार्टनरशिप प्रोप्रेटर या कंपनी हैं उस हिसाब से उसमें डॉक्यूमेंट्स लग जाएंगे। जिन जिन गुड्स या सर्विस के लिए आप ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं उनकी क्लास के साथ आपको वो डिस्क्राइब करना पड़ता है। अगर कोई नॉन इंग्लिश वर्ड्स है आपके ट्रेडमार्क के अंदर तो उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में रिक्वायर्ड रहता है, वो आपको रिटर्न में देना पड़ेगा। अगर आप किसी एडवोकेट या एजेंसी के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करनी पड़ेगी कि आप इसी को ऑथराइज कर रहे हैं ट्रेडमार्क के लिए। गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन फीस जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है उसका आपको जमा कराना पड़ेगा। अगर एडवोकेट के थ्रू कर रहे हैं तो उनकी भी फीस रहती है। और कुछ मैटर्स में आपको इनवॉइस या कोई एडवर्टाइजमेंट प्रूफ देना पड़ता है कि आप इस ट्रेडमार्क को रजिस्टर को यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रोसेस क्या रहेगा ट्रेडमार्क का। प्रोसेस सबसे पहले आपके पास कोई ट्रेड नेम या लोगो होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप चूज करिए कोई यूनिक जो किसी से रिजेंबल नहीं करता है। उसके बाद आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की अवेलेबिलिटी, ट्रेडमार्क की अवेलेबिलिटी करिए। क्लास 45 होती है ट्रेडमार्क के लिए। फार्मास्यूटिकल्स के लिए, प्रोडक्ट के लिए 5 और कंपनी नेम के लिए 35 रहेगी। उसके लिए आप एप्लीकेशन रखिए या किसी एडवोकेट के थ्रू कराइए। आप अप्लाई कर दीजिए, 2 से 3 दिन ट्रेडमार्क टीएम नंबर में लग जाते हैं। ट्रेडमार्क में 1.5 से 2 साल लगता है रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर कोई ऑब्जेक्शन ना लगे तो। उसके बाद पब्लिक गैजेट में वो पब्लिश किया जाता है। अगर ऑब्जेक्शन या वो लगता है, अपोज्ड लगता है उस पर, तो फिर हीरिंग होती है रजिस्ट्रार के सामने। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं यूज के, रजिस्ट्रार को कन्विंस करना पड़ता है कि आप इसको यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या है ऑब्जेक्शन और अपोज्ड में। बहुत कॉमन वर्ड्स है ट्रेडमार्क में ऑब्जेक्शन और अपोज्ड। ऑब्जेक्शन किसी भी ट्रेडमार्क पे, जब हम पर्टिकुलर ट्रेडमार्क पे ये लग जाता है कि उसमें अनसर्टेनिटी हो कि कोई इसको यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये डिपार्टमेंट इंटरनली भी कर सकता है या कोई थर्ड पर्सन भी करा सकता है। ट्रेडमार्क को लगे कि आप इसको जेन्युइनली यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप उसको रजिस्टर कराना चाहते हैं, तब भी लग सकता है। कोई थर्ड पर्सन अगर ऑब्जेक्शन करता है कि नहीं नहीं आपको ये दे देते हैं तो हमें कोई उसका नुकसान होगा, तब भी ऑब्जेक्शन लग सकता है उस मामले में। इसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ देना पड़ता है कि आप यूज कर रहे हैं इसको, आप किसी के फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। अपोज्ड में क्या होता है कि जब कोई थर्ड पार्टी आपके खिलाफ डाल देती है कि अगर आपने इसको ये ट्रेडमार्क दे दिया है तो उसको इसका नुकसान है और आपका नाम उससे मिलता जुलता है और वो किसी प्रॉफिट के लिए ये कर रहा है, तब आप अपोज्ड हो जाता है।
अब ट्रेडमार्क सिंबल्स की बात करते हैं। जनरली चार तरह के सिंबल्स होते हैं, कॉपीराइट्स भी वैसे इसी में आता है लेकिन यहाँ हम बात नहीं करेंगे। अब हम तीन तरह के सिंबल्स की बात करेंगे, TM, SM और R। TM स्टैंड्स करता है ट्रेडमार्क अप्लाइड फॉर, आपने अप्लाई कर दिया, आपका TM नंबर आ जाता है तो आप TM लिख सकते हैं। वो रजिस्ट्रेशन का प्रूफ नहीं होता लेकिन आप TM लिख के काम चला सकते हैं कि आपने अप्लाई किया हुआ है। SM होता है जब प्रोडक्ट की जगह सर्विस यूज कर रहे हैं तो सर्विस मार्क अप्लाइड फॉर, आपका कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस है, आप किसी सर्विस को यूज कर रहे हैं तो आप SM लिख सकते हैं। रजिस्टर्ड, जब आपका ट्रेडमार्क पूरे प्रोसेस को सबको कंप्लीट करके रजिस्टर्ड हो जाता है, आपको लाइसेंस मिल जाता है, ट्रेड का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, तो उसको आप तब R सिंबल लिख सकते हैं। आप कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो ट्रेडमार्क के दौरान पूछे जाते हैं या जिनकी ज़रूरत पड़ती है उनके बारे में बात करेंगे। कितनी क्लास होती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के अंडर, सबसे कॉमन यूज होता है क्योंकि हर प्रोडक्ट की अलग अलग क्लास होती है, हर सेक्टर की अलग अलग क्लास होती है। 45 क्लासेज जो होती है ट्रेडमार्क के रजिस्ट्री के अंडरगत क्लासीफाई किया गया है। 45 क्लासेज में प्रोडक्ट और सर्विसेज को, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स, आयुर्वेदिक और हर्बल फूड सप्लीमेंट्स कौन सी क्लास में आते हैं, जब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं या सर्विस की बात करते हैं वो क्लास 5 में आते हैं, जब हम कंपनी नाम की बात करते हैं वो 35 में आती है। जो मार्केटिंग कंपनी जो होती है वो 35 में आती है। मैनुफैक्चरिंग यूनिट क्लास 5 में भी आती है। ड्यूरेशन कितना रहता है, एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाता है उसकी वैलिडिटी कितनी रहती है उसके बारे में बात करेंगे। एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जब आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है वो 10 साल तक वैलिड होता है और उसके बाद आप रिन्यू करा सकते हैं उसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए, उसमें कोई वो नहीं होता। व्हेन एप्लीकेट यूज सिंबल TM, TM कब यूज किया जा सकता है, आपने अप्लाई कर दिया उसको, आपका TM नंबर आ गया है तो आप TM लोगो का यूज कर सकते हैं लेकिन आप R सिंबल का यूज नहीं कर सकते जब तक आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाता है। अगर आपने कंपनी एक्ट में कंपनी रजिस्टर करा ली है तो आपको ट्रेडमार्क की ज़रूरत पड़ेगी, ये बहुत क्वेश्चन होता है। कंपनी एक्ट कभी भी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपके ब्रांड नेम को या आपके कंपनी नेम को सेव नहीं करता, ट्रेडमार्क सेव करता है। कंपनी नेम आप का उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, वो अलग मैटर होता है, ट्रेडमार्क का अलग मैटर होता है। अब सबसे बात आती है कि आप खुद ट्रेडमार्क को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए आपको क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है, आपको अकाउंट बनाना पड़ता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री वेबसाइट पे और आप कर सकते हैं। अगर आप किसी लीगल फर्म या एडवोकेट के थ्रू कर रहे हैं तो आपको किन मैटर्स पे क्या क्या कंफर्म करने की ज़रूरत है, मोस्टली ऑनलाइन एजेंसीज आपको मिल जाएगी जो गवर्नमेंट फीस प्लस 1000 रुपये अपनी चार्ज करके वो अप्लाई करेंगे, लेकिन उनसे सबसे पहले कंफर्म करने की बात ये रहती है कि वो आपका ऑब्जेक्शन क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे। जो ऐसा करती हैं 1000 रुपये फीस लेके गवर्नमेंट फीस के साथ, तो वो ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं करती। अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है तो आपको दोबारा बहुत सारा अमाउंट देना पड़ता है, तो वो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए पहले कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे। अब एडवांटेज की बात करते हैं कि ट्रेडमार्क के एडवांटेज क्या रहते हैं। ट्रेडमार्क बहुत ही जेन्युइन चीज़ होती है जो आपके प्रोडक्ट के नेम की, जो आपकी लीगल प्रोटेक्शन देती है आपके प्रोडक्ट को कि कोई इस नाम को यूज नहीं करेगा, कोई अदर कंपनी या फर्म आपके कंपनी के इस नाम को यूज नहीं कर सकते अगर आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। अगर आप TM भी अप्लाई कर देते तब भी क्या कहते हैं उसके बाद जो यूज करते हैं उनको लीगली आप चैलेंज कर सकते हैं। ब्रांड ट्रस्ट होता है एक कंज्यूमर के नाम पे कि जो वो यूज कर रहे हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कर रहे हैं उनको भी ट्रस्ट रहता है कि इसको कोई और नहीं आएगा, वो मेहनत करेंगे तो कोई इस नाम से दोबारा नहीं बेच पाएगा। पॉपुलराइजेशन, अगर आपका फेमस हो जाता है तो भी क्या कहते हैं कोई इसका यूज नहीं कर सकता। एक प्रमोट करने के लिए आपको ये फियर नहीं रहता कि आप एडवर्टाइजमेंट पे पैसा करेंगे उसके बाद कोई मिलता जुलता नाम आपका लॉन्च कर दे, तो ये डर नहीं रहता। उम्मीद करेंगे कि आपको ये इंफॉर्मेशन सारा अच्छा लगा होगा। आपको कोई क्वेरी हो या सजेशन हो तो आप हमें pharmafranchisehelp@gmail.com पे भी लिख सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, www.pharmafranchisehelp.com पे विजिट कर सकते हैं।